विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेसियों ने सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने पर जमकर जश्न मनाया। वहीं कार्यकर्ताओं ने नगरी बस स्टैंड में आतिशबाजी कर अपनी खुशियां जाहिर की हैं। बता दें कि नगर में ढोल बाजे के साथ रैली निकालकर राहुल गांधी के जयकारे लगाए गए हैं। कांग्रेसियों ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्य की जीत हुई है। यदि अपनी बात करता है तो विपक्ष का काम होता है उसका विरोध करना, तो हमारे राहुल जी ने विरोध किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने न्यायालय में उसके विरुद्ध कार्यवाही के लिए मामला दर्ज किया, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने जो है उसकी सुनवाई रद्द कर दी। इस बात को कांग्रेस पार्टी ने अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास ले गया उच्चतम न्यायालय में, और उच्चतम न्यायालय ने उसकी सजा को रोक दी। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और जनता में इसी खुशखबरी का संदेश देने के लिए हम कांग्रेस जन जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। राहुल गांधी जी कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं, और निश्चित है उनकी संसद में सदस्यता खत्म की गई थी, और यहाँ पर हमेशा सत्य की जीत होती है, सत्य कभी पराजित नहीं होता। आज सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है कि जो उनके ऊपर लगाया गया था वो सारा आरोप बेबुनियाद है, और निश्चित है उनकी जीत हुई है। इसलिए कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता बहुत खुश हैं, क्योंकि उनको दोष मुक्त किया गया है और उनकी संसद सदस्यता जो है वापस बरकरार रहेगी, और पुनः 2024 में वो चुनाव लड़ेंगे और जीत कर आएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे।